स्मार्टफोन्स की दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और मोबाइल फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा ताकत भर देते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोसेसर भी है जो वन ऑफ दी वर्स्ट थे। तो यार इस वीडियो के अंदर यही बात करते हैं कौन कौन से वर्स्ट स्मार्टफोन के प्रोसेसर है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप लोगों से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कुछ प्रोसेसर की। यार आप लोगों स्नैपड्रैगन 888 याद है जब हीटिंग वगैरह हुई थी, या फिर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था सैमसंग की 4nm टेक्नोलॉजी को, क्योंकि सैमसंग के ऊपर जब तक रहे थे तब तक यहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही थी, लेकिन जैसे TSMC के ऊपर आए सारी प्रॉब्लम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने यहां पे सॉल्व कर दी। लेकिन एक बात देखिए, मैंने यहां पे इससे पहले भी स्नैपड्रैगन 810 नाम से प्रोसेसर निकाला था जिसकी हीटिंग के लिए वो बहुत ज्यादा बदनाम था, इतना ज्यादा बदनाम था कि उस जमाने में सैमसंग ने ये सोचा कि यार स्नैपड्रैगन 810 में इतनी दिक्कत है, ये हटाओ, हमारा एक्सिनोस ज्यादा अच्छा है। और पूरी दुनिया में हर एक मोबाइल फोन जो सैमसंग ने प्रोड्यूस किया था उस साल वो एक्सिनोस के साथ दिया था, 810 को यहां पे टोटली हटा दिया था। और देखा तो उसके बाद यही कहानी स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ यहां पे कंटिन्यू रही। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ एक और प्रोसेसर है जो यहां पे वन ऑफ द वर्स्ट कह सकता हूं, वो है स्नैपड्रैगन 695। यार इस प्रोसेसर को आज भी कंपनियां निकालती रहती है, ये वन ऑफ द वीकेस्ट प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर को रीब्रांड करके भी उतार दिया गया 6S Gen 3। यहां तक कि इस प्रोसेसर के साथ दिक्कत ये है कि परफॉर्मेंस भी लो देता है, गेमिंग के लिए सुटेबल नहीं है, यहां तक कि ISP भी वीक है। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो स्नैपड्रैगन के अलावा दूसरी जगह कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे की बात करें टेंसर की। अब टेंसर का आप लोगों को मालूम है कि हर साल की वही कहानी है, वही टेंसर के अंदर हीटिंग की दिक्कत है जब से पहला वाला आया था, और इस साल भी गूगल टेंसर वही सारी चीजों को कंटिन्यू कर रहा है। और पीछे का रीजन है कि वो सैमसंग की फैब्रिकेशन पे तो बना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सिनोस के ऊपर बेस्ड है, और एक्सिनोस के ऊपर बेस्ड है वो भी पुरानी जनरेशन के एक्सिनोस पे, तो पुरानी जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा फीचर जो एक्सिनोस का वो है यहां पे उसके अंदर हीटिंग होने का, और वो चीज आज भी यहाँ पे कैरी रहती है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगले साल से जो गूगल है वो टेंसर को पूरी तरीके से बदलने का प्लान कर रही है और TSMC के ऊपर जाने का प्लान है उनका, और अगर एक्सिनोस को डिच करके जो बेस अभी टेंसर के लिए यूज किया जा रहा है वो हटके अगर एक नया डिजाइन आए इसके साथ फैब्रिकेशन इसकी अगर TSMC करे, तो ये जो प्रोसेसर होगा आने वाले समय में काफी कमाल दिखा सकता है और वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड प्रोसेसर कह सकते हैं। लेकिन अभी के समय में एक फ्लैगशिप मोबाइल के लिए एक नॉट सो सूटेबल प्रोसेसर है। और इसके साथ ही अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ ऑब्वियसली एक्सिनोस के बारे में, क्योंकि एक्सिनोस को हम यहाँ पे कितना भी कह लें लेकिन एक्सिनोस की कहानी यहाँ पर यही चल रही थी कि अब वो भी हीटिंग वगैरह करता था, और एक्सिनोस 2200 तक ये चीजें कंटिन्यू थी, लेकिन एक्सिनोस 2300 के बाद चीजों में इम्प्रूवमेंट आया था और इन लोगों ने AMD एक्लिप्स GPU को भी इंटीग्रेट किया था जिस कारण से परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और ये लोग यहाँ पे अच्छी ग्राफिक्स भी डिलीवर करवा रहे थे। इवन इस साल जो S24 लाइनअप आई थी उसकी भी रॉ परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी हुई थी और बेंचमार्किंग के अंदर इन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को यहाँ पे मैच किया। लेकिन अगले साल सैमसंग का प्लान है कि S25 लाइनअप के साथ ये लोग एक्सिनोस को बिल्कुल नहीं लाएंगे, अगले साल 8 जेन 4 के साथ ही ये लोग अपने S सीरीज के सभी फोन्स को यहां पे निकालेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि 2026 में जो सैमसंग अपनी जो ड्रीम चिप के ऊपर काम कर रहा था वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, हो सकता है वो एक्सिनोस ब्रांडिंग के अंदर ही आ जाए। लेकिन एक बात देखिए कि उस चिप को वो कई सालों से बना रहा है जिसके अंदर वो चाहता है कि एप्पल की जो बायोनिक एप्पल सिलिकॉन आता है उससे भी सुपीरियर निकले और जो स्नैपड्रैगन की 8 Gen 4, 8 Gen 5 आएंगी उनसे भी ज्यादा बेटर चिप निकले। देखने वाली बात है आगे चल के वहां पे कहानी कैसी रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सिनोस वन ऑफ द वर्स्ट प्रोसेसर में से एक है, चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है और फ्यूचर इसका भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके साथ ही बात किया तो एक टाइम पे एनवीडिया जैसी कंपनी ने भी अपने खुद के प्रोसेसर निकाले थे, एनवीडिया टेग्रा। ये आया था टैबलेट्स वगैरह के अंदर, गेमिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस था लेकिन मार्केट में कुछ कमाल दिखा नहीं पाया। इसके साथ ही वन ऑफ द वर्स्ट प्रोसेसर जो रहे थे स्मार्टफोन्स के लिए एक जमाने में इंटेल एटम रहे थे। इंटेल ने क्या किया था कि x86 आर्किटेक्चर का यूज करके इंटेल के प्रोसेसर निकाले थे और ये प्रोसेसर आपको देखने को मिले थे असूस के फोन में, यहां तक कि एक जमाने में जोलो कंपनी के फोन में भी इस टाइप का प्रोसेसर देखने को मिलता था और ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग चल रही थी। लेकिन लंबे समय तक इंटेल इस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाई और प्रोसेसर वाले मार्केट से आउट हो गई। लेकिन आज के समय में कहानी बताऊं क्या है, उल्टी हो गई है, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मोबाइल फोन से निकल के लैपटॉप में अपनी जगह बना रहा है और इंटेल का जो मार्केट होता है ना उसे यहाँ पे खतरा होने लग गया आज के समय में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से। तो यार वो भी एक चीज है।
इसके साथ ही यहाँ पे एनवीडिया टेग्रा जो रहता है, यहाँ पे उन्होंने अपने डिजाइन को डिच किया था, लेकिन रूमर ऐसे आते रहते हैं कि ये लोग पीसी इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप का प्रोसेसर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। यानी ग्राफिक कार्ड तो सही है, लेकिन खुद का एक सीपीयू वगैरह भी खुद का डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जमाने में ERM टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप हो सकती है, तो वहां पे भी कूदने का प्लान है। खैर वो चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे मैं MediaTek की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि MediaTek के बारे में बात यह कि MediaTek के बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर है जिसके बारे में बात की जाए। Helio X सीरीज आती थी जहाँ पे डेका कोर के प्रोसेसर आते थे, लाइन से सब में हीटिंग होती थी, और MediaTek के प्रोसेसर की कोई कमी नहीं है, इसके बहुत सारे प्रोसेसर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें थी और बहुत ज्यादा हीटिंग थी। यहाँ पे MediaTek ने सारी चीजें Dimensity में सॉल्व करी, Dimensity में अच्छे प्रोसेसर बनाए। आज के जमाने में भी किसको बजट या मिड रेंज में अगर फोन लेना है तो वहाँ पे आपको MediaTek Dimensity के अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये Dimensity के प्रोसेसर टक्कर भी दे रहे हैं Snapdragon को, मार्केट शेयर भी इन्होंने काफी अच्छा ले रखा है, और MediaTek के साथ एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि फ्लैगशिप में आज भी थोड़ा सा पीछे, जो Dimensity 9000 सीरीज में जो उनके प्रोसेसर आते हैं वो वहां पे आज भी इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड मोबाइल फोन्स में आता है, तो वहां पे MediaTek को लिटरली काम करने की जरूरत है और अपने आप को इस कैपेबल बनाने की जरूरत है कि जहां पे Snapdragon से अच्छे तरीके से लड़ सके। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन कई बार बेंचमार्किंग में तो लड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब रियल वर्ल्ड में बारी आती है ना, तब MediaTek थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और हाँ, इसके साथ ही मैं बात कर सकता हूँ चाइनीज प्रोसेसर यानी UniSoC की। यार UniSoC के ज्यादा प्रोसेसर बेकार है और परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी खास नहीं है। ये प्रोसेसर जो UniSoC के 5G वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे आज से 2-3 साल पहले MediaTek Dimensity था ना, ठीक वैसी चीज आपको देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा बड़े मेजर चेंजेस नहीं है। तो हाँ यार, इनके प्रोसेसर भी कोई खास है नहीं। यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो ये थी प्रोसेसर्स की कहानी, कुछ वर्स्ट प्रोसेसर्स के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। बाय द वे, आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोगों के लिए बेस्ट और वर्स्ट प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू देखने के लिए वीडियो को, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।